आज का डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा वेस्टर्नाइज लुक पे, वेस्टर्नाइज लुक के साथ में एडवांस क्रिएटिविटी। और आप हेयर देख ही रहे हो, बड़े हेयर, लॉन्ग हेयर है, बट उनको ना ट्रेडिशनल में ब्रीड्स चाहिए ना बन वेरिएशन चाहिए, तो हम क्या करके दे सकते हैं। सो उसके ऊपर आज हम गर्ल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड वेस्टर्नाइज लुक क्रिएट करेंगे एज अ पोनी स्टाइल वेरिएशन के साथ में। सो मेक श्योर जब भी हमें कर्ल्स करने हो, लॉन्ग लास्टिंग रखने हो, हेयर टेक्सचर थोड़ा सा रफ है बट और थोड़ा सा हम लॉन्ग लास्टिंग बना देते हैं। सो हम क्या करेंगे, मूज एप्लीकेशन करेंगे। फ्रंट हेयर को मैं रिमूव करती हूँ क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हमने क्रिम्पिंग कर रखी है, तो वहां पे ऑलरेडी रफ टेक्सचर तो आ ही गया है। अब पफ पे भी हमने थोड़ा सा पफ सेक्शन को क्रिम्प किया हुआ है, तो उसको भी जरूरत नहीं है मूज एप्लीकेशन की। नीचे के जितने सेक्शन है और इनके हेयर बड़े है, सो बड़े हेयर पे आपको काम फास्ट लेना है, स्लो करना है, वॉल्यूम दिखाना है या कौन सा वेरिएशन करना है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके थियोरी नॉलेज और प्रैक्टिकल वेरिएशन पे डिपेंड है कौन सा टॉन्ग मशीन आप यूज करोगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ऑसिस का मूज एप्लीकेशन। मूज एप्लीकेशन किस तरह से करेंगे, सो ऑलवेज बिफोर यू यूज जस्ट शेक इट वेल एंड इसी तरह आपका फॉक फोम बाहर आना चाहिए। बट यस, मेक श्योर ड्राई हेयर पे ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, आप थोड़ा सा हेयर को गीला कर देना। ऑलवेज प्रिफरेबल हेयर वेट हो, यहाँ पे हेयर वेट हो चुके अब इसको ड्राई नहीं करने जाना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा। इसी वेट हेयर पे हमें एप्लीकेशन करनी है, तब जाके मूज का काम परफेक्ट होगा। सो ये होता है टू अप्लाई मूज। और मूज लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अभी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दो सेक्शन में डिवाइड करी, हमने कोई हेयर प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया हुआ है। मैं डायरेक्टली नॉर्मल हेयर में, बैक साइड हेयर प्रिपरेशन नहीं किया हुआ है, फ्रंट में हमने क्रिम्पिंग करके रखा है। सो डायरेक्टली यही हेयर पे मैं मूज लगा रही हूँ। इससे होगा क्या, हमारे हेयर कैसे होंगे रफ टेक्सचर में, इंस्टेंट रफ टेक्सचर आ जाएगा। इससे हमारे जो कर्ल्स है वो बहुत अच्छे स्टे करेंगे, बेबी हेयर भी कम होगा, बाउंस भी अच्छा मिलेगा एंड कर्ल्स टिकेंगे तो ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट को भी वही चाहिए और हमें भी वही चाहिए। एट दी एंड हम करते हैं हेयर स्टाइल बट क्लाइंट जाते हैं तब तक कर्ल्स क्या होते हैं, वेन्यू पे पहुंचने तक कर्ल्स पूरे ओपन हो चुके रहते हैं। सी यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे ड्रायर यूज कर रही हूँ। ब्लो ड्राई, नीचे हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया है तो वहां पे हमें प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है। दिस इज द फ्लैट पेडल ब्रश जो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ताकि बाउंस भी हो और बेबी हेयर भी जाए और उसके बाद में डायरेक्टली इसी हेयर पे कर्ल कर सकूं विदाउट एनी क्रिम्पिंग। फास्ट क्रिम्प ब्लो ड्राई करेंगे, सिर्फ दोनों में डिफरेंस देखो क्या डिफरेंस हुआ। एक मैंने एकदम पकड़ के टाइट पकड़ के ऊपर से नीचे तक एक साथ स्ट्रॉक लिया और बीच बीच में लिया, तो यहाँ पे ब्लो ड्राई हुआ ही नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट हुआ। तो ब्लो ड्राई आप करते हो बट प्रॉपर हुआ है या नहीं वो कैसे समझ में आएगा, इस तरह का एक भी बेबी हेयर दिखना नहीं चाहिए और ये फिनिशिंग लेयर आनी चाहिए। सो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ये और ये, तो ये वाला लेयर आपको इस यहाँ पे भी लाना है। तो क्या करना है, मेक श्योर आपका ब्लो ड्राई कैसे होगा, यहाँ पे इस तरह से होल्ड करेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे 10-12 स्ट्रॉक, फिर ऐसे डाउनवर्ड। आप देखो आ गया लेवल, दिस इज द लेवल ऑफ ब्लो ड्राई यू रिक्वायर। स्टार्ट करो, आपको इस तरह से खींचना नहीं है क्लाइंट को, ये पैडल ब्रश इस तरह से टैंगल निकालने नहीं होता है। पैडल ब्रश से टैंगल निकालने का एक तरीका होता है, कभी भी ये फ्लैट पैडल ब्रश मैं यूज कर रही हूँ, टैंगल निकालने के लिए ऐसे करोगे तो बाल खींचेंगे टूटेंगे। ये पैडल ब्रश से टैंगल इस तरह से ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट निकालना है, तब जाके बाल खींचेंगे भी नहीं और आपका काम भी फास्ट होगा। सो
सो ये होता है पेडल ब्रश का यूज करके, टेक्निक यूज करके सी कितना इजीली इनके हेयर में से टैंगल रिमूव। नाउ यू कैन सी हो गया। हम क्या करते हैं, एक एक सेक्शन ऐसे 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 खींचते हैं, जोर जोर से खींचते हैं, नहीं वेरी सॉफ्टली। सी पेडल ब्रश ऐसे नहीं, ऐसे यूज करो टैंगल रिमूव करने, फ्लैट पेडल ब्रश से भी आपका टैंगल रिमूव हो जाए। फर्स्ट सेक्शन वेव कर्ल करने के लिए यू नीड रेक्टेंगल बिगर सेक्शन। ये बड़े बड़े सेक्शन में आप एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे हमारे काम की स्पीड भी बढ़ जाएगी और लुक भी आ जाएगा। सबसे पहले हल्का सा शाइन स्प्रे कर रही हूँ, कोम कर रही हूँ, ताकि मेरे हेयर कैसे अभी नॉर्मल विदाउट क्रिम्पिंग है, तो बहुत ज्यादा बेबी हेयर आ सकते हैं। तो हमने इसको सेटल करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही अलग कर दिया। अब वेव कर होल्ड विथ योर हैंड, सबसे पहले थोड़ा सा उसको ऊपर की तरफ से हम करेंगे, मेक श्योर ऊपर से ले रहे हो या नीचे से। तो फील स्टार्ट विथ दी डाउनवर्ड सेक्शन, इस तरह से ट्विस्ट 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 एंड ट्विस्ट। सो ये फर्स्ट लेवल था जहां पे मैंने मुझे पोनी सेल क्रिएटिविटी करनी है, बट मैंने उसको लॉक नहीं किया है, मुझे लेंथ मेंटेन रखनी है एंड और इस तरह से इसको स्प्रे कर देते हैं। सेक्शन बाय सेक्शन में यहाँ पे रबर बैंड लगा दूंगी। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे हम पोनी बांध देंगे, डबल रबर बैंड और यहाँ पे पोनी। सेक्शन हमेशा नीचे की साइड होती ताकि ये दिखे नहीं, सेक्शन ऐसे लोगे ऊपर की साइड तो ये सेक्शन देखो दिख गया है। तो मेक श्योर पोनी कैसे बनाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पोनी ऐसे बनाओ कि सेक्शन दिखे नहीं साइड से। साइड साइड में हार्ड स्प्रे करके उसको फिक्स भी कर रही हूँ ताकि कोई बेबी हेयर बाहर ना आए एंड फिनिश इट मेंटेन रहे। और इसी के ऊपर यहाँ पे डबल रबर बैंड मेंटेन हाइट वैसे ही ऊपर ऊपर जा रहे हैं, नीचे से वॉल्यूम मेंटेन रहेगा, हाइट उसकी कम नहीं हो। लिटिल बैक कॉमिंग, यहाँ से ऐसे वॉल्यूम आएगा एंड बाउंस क्रिएट होगा इस तरह से। ऑपोजिट बैक कॉमिंग, इधर से लूज पकड़ के ऐसे बैक कॉमिंग करो एंड बाउंस हुआ और मैं इसको अब एक साथ ही कर्ल्स ले लूंगी। बिकॉज इतने वॉल्यूम भी मैंने नहीं लिए, इसीलिए मैंने सेक्शन भी वैसे ही किया, छोटे छोटे सेक्शन में। अगर करना है तो इसे दो सेक्शन में डिवाइड कर सकती हूँ और दो सेक्शन में अलग अलग कर सकते हैं। टर्न रोटेट रोटेट रोटेट, जस्ट होल्ड फॉर 30 सेकेंड, डन, लीव। ऑलवेज सेक्शन सेक्शन रहेगा आपका, ये जो वेरिएशन है बहुत अच्छे से टिकेगा। वेव कर्ल ऐसा है जो फास्ट भी होता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन भी हो जाएगा, सिर्फ मूज एप्लीकेशन, ब्लो ड्राई एंड हमारी ये टेक्निक, दैट्स इट। सेकेंड लेवल कंप्लीट, हल्का सा हार्ड स्प्रे।
कर्व्स ले लिए हैं। अब एटीटी क्लिक सेक्शन हम ओपन करते जाएंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे। जो पहले हमने टाई नहीं किया था दो सेक्शन, वो लेवल ओपन होगा इस तरह से। ओपन होने के बाद थोड़ा सा होल्ड करो शाइन स्प्रे, ताकि जब आप इसको ओपन करो इजीली ओपन हो जाए। जहाँ पे अटक रहा है वहां पे आपको फोन छोड़ देना है, वरना वो लेवल और खराब हो जाएगा। इस तरह से ऑल लेवल पकड़ना है, हल्का हल्का कोम करो, ताकि हर एक लेवल पे बाउंस आए और एक एक लेवल सेट होता जाए। छोटा सा ताकि यहाँ से जो ऊपर आए वो हाइट क्रिएट करके आए और एक बाउंसी लुक दिखे, फ्लैट ना दिखे। बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं, क्योंकि हाइट नहीं चाहिए मुझे इनके फेस पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा लो ही रखा है। प्लास्टिसिटी गम आपको किस तरह से यूज करना है, हल्का सा ले लेना है एंड टेक इट ऑन योर फिंगर एंड जस्ट रब इट एंड इस तरह से। विद द हेल्प ऑफ जी कोम यहाँ पे ये वाला कोम यूज करके अच्छी फिनिशिंग आ रही है और एक एक बाल एक साथ मर्ज भी हो रहे हैं। कर्ल्स छोड़ना है तो थोड़े से वॉल्यूम वाले बाल रखना ज्यादा। ओके, यहाँ से मैंने सेक्शन ले लिया, अब ये वाले सेक्शन को आप ले लेंगे वैक्यूमिंग, जस्ट 90 डिग्री वैक्यूमिंग, हार्ड स्प्रे, फिनिशिंग। यूपिन एंड यूपिन से क्या होगा, बाउंस मेंटेन रहेगा जितना बाउंस चाहिए। और इस पे यहाँ पे इसी पे एक बॉबल पिन, लिटिल हार्ट स्प्रे यहाँ का सेक्शन के साथ मर्ज करो एंड ये साइड स्प्रेड होगा यहाँ पे, ताकि यहाँ से ये बाउंस अच्छे से मर्ज हो जाए। दोनों सेक्शन मर्ज होना जरूरी है और ये साइड इसकी यूपी से पिनिंग कर दूंगी यहाँ पे भी, यहाँ से इसके साथ में मर्ज करना है सेक्शन। वेव टेक्निक देना है तो ये जिकोम के हेल्प से हल्का हल्का इस तरह से लाइन क्रिएट कर लो, हल्का हल्का बेबी सेमी मेसी लुक जैसा आ जाएगा आपका।
तक उसको हाथ में रखेंगे नहीं तो खुल जाएगा।